लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रही हूँ। क्यों? अरे भाई, क्योंकि कलंक का ट्रेलर आ गया है और उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए। तो जिस दिन का सभी को इंतजार था वो आ चुका है, एंड फाइनली करण जौहर की फिल्म कलंक का ट्रेलर हैज़ रिलीज। और क्या ट्रेलर है यार, कमाल का है। कलंक इज अ ट्रेल ऑफ इटर्नल लव सेट इन 1945, विच वॉज प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इस कहानी में है रूप, जफर, देव, बलराज चौधरी, सत्या और बहार बेगम। ट्रेलर के आने से पहले फिल्म का टीजर और 3 गाने रिलीज हुए थे, जिसे देखकर लोग सोच रहे थे कि आखिर इस फिल्म की कहानी है क्या। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में रूप यानी आलिया भट्ट कहती है कि उनके गुस्से में लिए फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आलिया भट्ट है इस फसाद की जड़। ट्रेलर में रूप यानी आलिया और देव यानी आदित्य की शादी हो रही है, और वहां देव की वाइफ सत्या यानी सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद है। इट लुक्स लाइक रूप एंड देव्स मैरिज हैपेंस बिकॉज सत्या वाज नॉट एबल टू कंसीव, और तब वो मिलती है जफर यानी वरुण धवन से, जिससे उसे इश्क हो जाता है। इसीलिए इश्क इस कलंक शायद। The trailer is beautiful. I don't know how, but Alia is looking so gorgeous throughout the trailer. मतलब सबसे सुंदर वही लग रही है यार। And Aditya Roy Kapoor is very handsome. Very shirtless Varun Dhawan, extremely hot. Sanjay Dutt को बहुत tension है, और माधुरी दीक्षित दिखाई दी क्या? ट्रेलर में बहुत खूबसूरत सीन्स हैं, जैसे फर्स्ट सीन में आलिया का होना, देन रूप और जफर का मिलना, और बैकग्राउंड में रावण का जलना, रूप और देव की शादी जिसे सत्या देख रही है, रामलीला वाला सीक्वेंस, और माधुरी यानी बहार बेगम का आग के बीच में आगे आके खड़े होना और उनके पीछे बैकग्राउंड में आग लगी हुई है, काफ़ी कुछ। ट्रेलर में एक सीन ये भी है जहाँ वरुण और आदित्य साथ में नाच रहे हैं, वो कैसे हुआ? इसमें हमारी थ्योरी ये है कि देव और जफर सौतेले भाई हैं और उन्हें इस बात का पता चल गया है। द सेट्स आर ग्रैंड। सपोर्टिंग कास्ट में यू विल सी कियारा अडवाणी एंड कुणाल खेमू, एंड देयर इज अ डांस नंबर एज वेल जिसमें कृति सेनन है। द ट्रेलर इज अ विजुअल ट्रीट। इसमें पार्टीशन का भी एंगल है जिसमें देव, रूप और जफर फंसे हुए हैं, एंड द एंड ऑफ द ट्रेलर विल डेफिनेटली मेक यू एक्साइटेड, क्योंकि ट्रेन से लटकी हुई रूप, उसके एक हाथ को थामे हुए देव और दूसरा हाथ थामने के लिए जा रहा जफर वाला सीन जरूर आइकॉनिक बनेगा। ये मूवी धर्मा की बाकी मूवीज से बिल्कुल अलग है। वी हैव सीन धर्मा मेकिंग मूवीज ऑन फैमिली ड्रामाज, बट कलंक इज टोटली डिफरेंट। तो कलंक की स्टोरी क्या है और आलिया को गुस्सा क्यों आया, ये आपको पता चलेगा 17 अप्रैल को।